सना दसवीं जमात की तालिब इल्म, गमगीन भी है और मायूस भी। शायद वही मामला होगा हरदम की तरह कि अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद वालदैन आगे पढ़ाने और बच्ची पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। खर्च करे भी कैसे, आखिर तू लड़की है सना, तो अपने माँ बाप के लिए एक परेशानी और टेंशन है। आगे जाकर तू पराई जो होने वाली है, लेकिन क्या लोग जानते नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी दो या उससे ज़ायद बेटी हो और वो उनकी अच्छी तरह से परवरिश करे, उन्हें अखलाक सिखाए और फिर उनकी शादी करवा दे, तो गोया कि उन पर जन्नत वाजिब हो जाती है। इसलिए हमारे लिए लड़की कोई टेंशन या बोझ नहीं है, बल्कि एक लड़की तो खुशी का लम्हा है इस तराने की तरह। बेटियां चिड़िया की तरह उड़ जाती है और माँ बाप के आंगन को सूना कर देती है। माँ बाप के लिए इस नन्ही चिड़िया की सिर्फ बातें और यादें रह जाती है।
आंगन छोड़ने के बाद नन्ही सी बिटिया अपने ससुराल में धीरे धीरे नए रिश्ते बनाना शुरू कर देती है। बिखरे टूटे टुकड़े सारे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे हाले हाले बेतुके से सुर वो सारे मिल रहे हैं धीरे धीरे हाले हाले आईने का धुंधला चेहरा खिल रहा है धीरे धीरे हाले हाले कई मर्तबा ऐसे हालात आते हैं कि इस नन्ही चिड़िया को इंतहाई मजबूत ढाल और तेज तलवार बनना पड़ता है। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया कुछ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया पतवार बनूंगी घर आऊंगी जिसकी फितरत में